ओके तो आपके दिमाग में कैसे आया स्टार्टअप करने का? मतलब हमने जहाँ भी देखा बिहार से हो बेसिकली। बिहार से ही है। और आज कौन सा दिन हो गया आपको? तीसरा दिन। अगर कोई खाने आता तो लोग क्या बोलते? जरूर बिहारी होगा इसलिए खा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डेली व्लॉग्स ऑफ लवराज। आप सबका स्वागत है। मुझे पता है कि आपको ऐसे फील आ रही होगी। लव आजकल ना फील से नहीं बना रहा व्लॉग, क्योंकि एक्चुअली कुछ थोड़ा सा दुर्घटना पूर्वक चल रहा था मेरी जिंदगी में, तो मैं थोड़ा इतना खुश नहीं था अंदर से। बट फाइनली देयर आर सम हैप्पीनेस, जस्ट आई गॉट रिसेंटली आई गॉट अ कॉल एंड एवरीथिंग। सो फिंगर क्रॉस्ड गाइस, आई थिंक द व्लॉग देखने में और मजा आने वाला है थोड़े दिनों के बाद आपको, फॉर श्योर। बिकॉज अभी तो मैं रुकने का कोई प्लान है नहीं मेरा, ना मैं रुकना चाहता। 100 दिन पूरे होने वाले हैं, सो आई जस्ट फिंगर क्रॉस्ड। यार मेरा बहुत मन है ये चीज जो अभी बस पूरी हो जाए तो मैं काफी खुश होगा। एंड इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग थिंग एसोसिएशन, तो फिंगर क्रॉस्ड। आई विश आई कुड टेल यू, बट कहते ना कि अगर इंसान पहले ही बता दे जो चीज होने वाली है तो वो होती नहीं है। क्या सच है या झूठ है वो तो आप ही बता सकते हो मेरे को। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई विल मेक इट पॉसिबल, आई विल मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच, लेट्स डू इट ब्रो। हेलो, व्हाट्स अप? चल, उसको बुरा लगा उसका। ये नया बंदा है भाई, व्हाट्स अप ब्रो? तो गाइस बेसिकली आज हम एक्चुअली आए हुए यहाँ पे एंड आशल मेरे साथ है। तेरे को क्या हो रहा है आज? हमें मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, गलती से रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाया। यही होता है जब मूड इंसान का अच्छा ना, आज में थोड़ा मूड ऑफ था। तो बेसिकली हाँ बता, क्या कह रही थी? तेरे मच्छर काट रहे बहुत, अब दोबारा सब रिक्रिएट है, सब कुछ दोबारा होएगा। भाई से पानी से कौशिक भी आया हुआ एंड बेसिकली यहाँ पे इन्होंने नया ही खोला है स्टॉल, मुस्कान और फैज ने, और लाइक दे आर फ्रॉम बिहार। बी कॉम और आपने क्या किया हुआ है? उन्होंने मैंने बी ए। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने अपना बिहार का फूड लाइक यू नो लिट्टी चोखा, क्या कहते हैं इसको, क्या लिट्टी चोखा बेसिकली। हाँ, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आई विश यू गोना हैव इट एंड ट्राई इट। ओके, तो आपके दिमाग में कैसे आया स्टार्टअप करने का? मतलब हमने जहाँ भी देखा है लिट्टी चोखे का, वो मतलब सड़क पे ही मिलते हैं मोस्टली, और 25-30 रुपए में मिलते हैं। और हमने मतलब एक साल तक इसका मतलब सब जगह जाके दिल्ली में खाया, बहुत सिटी में भी गए, यहाँ तक कि पटना में भी हमने खाया अपने शहर से ही, है ना। तो आप बिहार से ही हो बेसिकली? हाँ, बिहार से ही है। और आज कौन सा दिन हो गया आपको? तीसरा दिन है। वाओ यार, और रिस्पांस कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक है हमारा, इसलिए हमें मतलब और अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक कि तीसरे दिन हम तीन दोस्त आए थे। हाँ, तीसरे दिन थी। यहाँ तक कि यहाँ के जो सेफ है, एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने यहाँ पे आके हमें मतलब 9 प्लेट ले गए थे। उन्होंने बोला कि क्वालिटी चेंज मत करना, भले ही आप रेट बढ़ा दो पर क्वालिटी चेंज बिल्कुल मत करना। तो सेफ ने आके हमें बोला, आपको खुद आपको और अच्छा लगा होगा कि आपने तो कोई ऐसी डिग्री भी नहीं करी हुई है, लाइक फिर भी यू नो ये करा है और कुछ नहीं है जो नहीं। यार ये भी बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मुस्कान। हम ये चाहते हैं कि जो स्टार्टअप है ना हमारा, एक मतलब इसकी चेन चलाना चाहते हैं कि जो उसको एक वैल्यू मिले और एक रिस्पेक्ट मिले कि लोग इसे खाना पसंद करे। अगर कोई खाने आता तो लोग क्या बोलते? जरूर बिहारी होगा इसलिए खा रहा है। पर आजकल मतलब लोग जेन्युइनली आके खाते हैं, पसंद करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच यार। और गाइस, इट्स लिटरली 6 o'clock, अभी 6 बज गए सुबह के, और मेरे अभी थोड़ी हम पार्टी वार्टी कर रहे थे काफी देर से, एंड सो इट वाज अ नाइस पार्टी। आज तो पार्टी की जान हमारी राजन थी, क्या बंदे ने ले लिया यार, अच्छे लेवल बड़ा हाई था आज। एक जोक तो मार दे यार, कम ऑन। क्या जोक मारो, सब चुप थे बिल्कुल ऐसे। इसको बदल गया पूरा, हो रही है यार, एक जस्ट डू दैट तुम्बड़ थिंग ना, जो तुम्बड़ वाली बात है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यू सी दैट वाइब यार, दैट इज सो कूल। चलो ठीक है, बाय बाय यार, टेक केयर ब्रो, बाय बाय। अगर भाई ऐसे वेट करते, अरे ऐसे ही हाथ वाला भूल गया तो सब कुछ। बाय बाय। चमक ज्यादा ही चमकता है ये उदयपुर से गाइस, बाय द वे इसके वहां कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है ना, आई थिंक द कर्फ्यू इज देयर। भाई तेरी नाक लाल क्यों हो रही है? दिल बनाते हैं, पिंपल हो गया भाई, नेचुरल ब्यूटी। केले रख दिए मैंने बंदरों के लिए। सो बेसिकली आई एम जस्ट गोना मेक पनीर के पराठे राइट नाउ एज यू कैन सी। और ये देखो, 3 2
One. So the paratha is ready with the tea. I just made it, so let's gonna have it. किस किस को पनीर के पराठे पसंद है और मेरे हाथ के खाने बताना कमेंट सेक्शन में. चलो इतने कुछ देखते हैं. तो ये था आज का व्लॉग. आई होप यू गाइस लाइक इट. बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टाइटल ऐसे रखा, मुझे पता है कि काफी लोग ऐसे हो गए आपने ऐसा क्यों बोला. मुझे लगता है कि जब यू नो एक जैसे जाट है उनको जाट बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई राजपूत है राजपूत बोलने, अगर कोई बिहारी उन्हें बिहारी बोलने में वट इज अ बिग थिंग आई थिंक. सो मैंने इस टाइटल का ब्लॉग का टाइटल ये रखा है. सो आई थिंक इट्स आई डोंट नो आई थिंक देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. मुझे तो लगता है कि अगर उनको दे आर वेरी प्राउड ऑन इट एंड दे सेड इट वेरी प्राउडली द गर्ल यू नो जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द गर्ल जो स्टार्टिंग में आई थी. तो मुझे लगा यार पहली बात मुझे उससे मिलकर लड़की से मिलकर इतना अच्छा लगा कि दो दोस्त है. मैंने उसको एक ही सजेशन दिया थोड़ा सा यू नो पार्टनरशिप में हमेशा इश्यूज आते हैं तो कोशिश करना कि शुरू से शॉर्ट रखना हर चीज डॉक्यूमेंटेशन में रखना. बिकॉज आई हैड अ पार्टनर एंड वी हैड सम टिप्स. हमारी लड़ाई वड़ाई रही है स्टार्टिंग में या बाद में आगे लड़ाई है या पार्टनरशिप टूट गई. तो पार्टनरशिप इज वेरी डिफिकल्ट यू नो. कोई भी पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप की पार्टनरशिप हो या मम्मी पापा की पार्टनरशिप हो या बिजनेस वाली पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज पता है पार्टनरशिप डिफिकल्ट होती है. आप एक चीज भूल जाते हो कि दो अलग तरीके के इंसान होते हैं. जब दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों की ना अलग, एक बंदा किसी तरीके से पैदा हो किसी तरीके की अपब्रिंगिंग हुई, दूसरे बंदे किसी ऐसे तरीके की अपब्रिंगिंग हुई. जब दोनों साथ में आते हैं तो पता है क्या होता है कि दिक्कतें बहुत होती है. दिक्कत इसलिए होती है कि एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे को पता धीरे धीरे जानता है बंदा, धीरे धीरे उसका पता चलता है. अब घर वाले आपको क्यों एक्सेप्ट करते हैं पूरे दिल से चाहे आप कुछ भी कर दो, क्योंकि आपको बचपन से पाल रहे हैं यू नो पाल रहे हैं आपको. लाइक यू नो आई वांट टू से कि आपको उन्होंने मैनर सिखाया, एथिक्स सिखाया, सब कुछ उन्होंने सिखाया, तो उन्हें पता है तुम किस तरीके के हो. लेकिन जब कोई नया बंदा आता है तुम्हारी जिंदगी में उन्हें नहीं पता तुम किस तरीके के हो. सो दैट इज द रीजन guys I think partnership fails in all that. तो मुझे लगता है इसे हमेशा काम करके चलना चाहिए और documentation में चलना चाहिए काफी हद तक, यही मैं कह सकता हूँ. So I really wish the best of luck and मुझे लगता है इस लड़की को देखकर मेरी काफी motivation, लड़के और लड़की को देखकर इतनी motivation मिली. हम लोग कहते हैं हमें ये करना है वो करना है. I think it's about just starting. इतना छोटा सा उन्होंने अनुपम पे स्टार्ट किया. एक्चुअली साकेत अनुपम पे अगर आप जाओगे पिज्जा हट के पास है, यू कैन गो एंड ईट इट एंड डू टेल देम कि लव के व्लॉग देख के हम आए हैं. वो भैया जो लव भैया है थोड़े मोटे से, यू कैन गिव देम दैट लाइक यू नो. सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच. आई होप प्लीज सपोर्ट एंड जो भी करना है यार. देखो मुझे मैंने उसे ये पूछा कि आप जॉब क्यों नहीं कर रही. कह रही नहीं यार हम अपना काम करना चाहते हैं, जितना भी पैसा थोड़ा हो लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होगी, एक खुशी होगी करते हुए. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू नो गाइस. टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय. नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय.